अनबॉक्सिंग करते हैं T500 स्मार्ट वॉच। आपको इस सस्ता स्मार्ट वॉच लेना चाहते हैं जो कि 350 से 400 रुपये के अंदर आ जाए, तो आप T500 स्मार्ट वॉच ले सकते हैं। ये ब्लैक कलर का स्मार्ट वॉच है। जब भी आप कोई स्मार्ट वॉच लेते हैं, चाहे ऑनलाइन लेते हैं या फिर ऑफलाइन लेते हैं दुकान से, तो इसके ऊपर प्लास्टिक का रैप पैकिंग होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर नहीं है तो आप समझ लीजिए कि बॉक्स को किसी ने ओपन किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं प्लास्टिक का पैकिंग, साइड से देखिए बॉक्स का ऊपर कुछ भी डिटेल नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं T500 वॉच और ब्लैक कलर, पीछे भी कोई भी डिटेल नहीं है। अभी प्लास्टिक पैकिंग को निकाल देते हैं, बॉक्स को ओपन करते हैं। बॉक्स में सबसे पहले यूज़र मैनुअल मिलता है, चाइनीज़ में है और इंग्लिश लैंग्वेज में है। और ये चार्जर देखिए, तो यहाँ पे दो चार्जिंग पॉइंट है और ये USB पॉइंट। दो स्ट्रैप मिल जाते हैं ब्लैक कलर के। आप स्ट्रैप को चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं। आप ब्लू कलर के या फिर पिंक कलर के भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको एक्स्ट्रा परचेस करना पड़ेगा। और आप सिलिकॉन स्ट्रैप भी लगा सकते हैं। अभी स्मार्ट वॉच को बाहर निकालते हैं। अभी स्मार्ट वॉच देखते हैं, डिस्प्ले के ऊपर ये स्क्रीन गार्ड है, इसे अभी रहने देते हैं। साइड में बटन है, यहाँ पे माइक है और यहाँ पे स्क्रॉल करने के लिए राउंड बटन दिया गया है। ये साइड में स्पीकर दिया गया है। अभी बैक साइड पे देखते हैं, तो बैक साइड पे कवर निकाल देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सीरीज 8 45 mm एल्यूमिनियम सिरेमिक केस, ECG, हार्ट रेट चेक कर सकते हैं, ब्लूटूथ वॉच, और यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट है और ये सेंसर है। स्मार्ट वॉच में जो भी आपको डिस्प्ले का स्टाइल पसंद आए वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ऊपर से नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे मैसेज दिखाता है, अभी फिलहाल कोई भी मैसेज नहीं है। नीचे से ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे कॉलिंग, आप कोई भी नंबर डायल करके कॉलिंग भी कर सकते हैं। फ़ोन बुक, यहाँ पे बहुत सारे कॉन्टैक्ट सेव कर सकते हैं। और मेनू का आप स्टाइल चेंज करना चाहें तो स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, वो मैं आपको बाद में करके दिखाऊंगा। म्यूजिक सुन सकते हैं और आप कितने स्टेप चले हैं वो यहाँ पे दिखाएगा। और ये है QR कोड, तो QR कोड से आप मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं स्मार्ट वॉच को। अभी मेनू का स्टाइल चेंज करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी जो मेनू है, मेनू 1 है, तो ये है मेनू 1। तो अगर ये स्टाइल आपको पसंद आए तो ये भी रख सकते हैं। अभी मैं आपको दूसरा स्टाइल करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे स्टाइल 2, तो ये स्टाइल 2 आ गया। तो ये स्टाइल आप रखना चाहे तो ये भी सेट कर सकते हैं। अभी मैं आपको स्टाइल 3 करके दिखाता हूँ। तो ये है स्टाइल 3। तो सबसे पहले स्टेप में जाते हैं, तो यहाँ पे स्टेप कितने स्टेप चले हैं वो यहाँ पे दिखाएगा। हार्ट रेट, तो हार्ट रेट मैं आपको बाद में चेक करके दिखाता हूँ। फोन बुक, कॉन्टेक्ट सेव कर सकते हैं, मैसेज, डायलर, कोई भी नंबर डायल करके फ़ोन कर सकते हैं क्योंकि इसमें माइक भी है और स्पीकर भी है। और यहाँ पे है रनिंग, तो आप जब भी रनिंग चालू करते हैं यहाँ पे टाइमर चालू कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे टाइमर चालू हो गया है। यहाँ पे स्पॉट का ऑप्शन है, सीट अप, यहाँ पे जंपिंग, वेदर देख सकते हैं कितना डिग्री टेम्परेचर है वो भी दिखाएगा। स्लीप, तो आप सोने के टाइम पे ये टाइमर ऑन कर सकते हैं। लुकिंग फॉर, म्यूजिक सुन सकते हैं। रिसेट करना चाहे स्मार्ट वॉच को तो रिसेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे माइल स्टाइल, ये मेनू का स्टाइल है। अभी स्टाइल 3 है, कैमरा, तो उसके लिए आपको मोबाइल से कनेक्ट करना पड़ेगा स्मार्ट वॉच को, तो अभी फ़िलहाल कनेक्ट नहीं है। स्टॉप वॉच, जब भी आप रनिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, कुछ जिम कर रहे हैं तो इसे स्टार्ट कर दीजिए। और आप टाइमिंग देख सकते हैं कितना टाइम तक आपने रनिंग किया, वॉकिंग किया और जिम किया। और यहाँ पे QR कोड मिल जाएगा मोबाइल से कनेक्ट करने के लिए। मोर में जाते हैं, मोर में सीरी अबाउट, अबाउट में जाते हैं, यहाँ पे अबाउट देखिए। और स्मार्ट वॉच को आप बंद करना चाहें तो बंद भी कर सकते हैं, यहाँ पे पावर ऑफ कर सकते हैं। लैंग्वेज सेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे इंग्लिश, चाइनीज़ और यूरोप का बहुत सारा लैंग्वेज मिल जाता है, आपको जो भी लैंग्वेज चाहिए सेट कर सकते हैं। सेट टाइमर, तो यहाँ पे टाइम सेट कर सकते हैं। सेट डेट, डेट सेट कर सकते हैं। बैकलाइट को आप कितना सेकंड, कितना मिनट तक ऑन रखना चाहते हैं ऑन रख सकते हैं, मैक्सिमम 1 मिनट है। और बैक डायल, तो उसमें 1 मिनट, 2 मिनट और 1 आवर है। फेसबुक मिल जाता है, तो अभी मोबाइल से कुछ कनेक्ट नहीं है। ट्विटर और यहाँ पे व्हाट्सएप है। तो आपको स्मार्ट वॉच, आप कोई भी स्मार्ट वॉच परचेस करते हैं, थोड़ा डिस्प्ले, इसमें एमोलेड डिस्प्ले नहीं है, इसमें IPS डिस्प्ले है। अगर एमोलेड डिस्प्ले वाला स्मार्ट वॉच होता है तो उसमें आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है डिस्प्ले में। फिर भी प्राइस के हिसाब से इसका डिस्प्ले बहुत ही अच्छा है। हार्ट रेट चेक करते हैं, तो आप देख सकते हैं स्मार्ट वॉच ने हार्ट रेट दिखा दिया, अभी 80 है। और ये है ब्लड प्रेशर मॉनिटर और ये SpO2 है। स्मार्ट वॉच अभी मोबाइल के साथ कनेक्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉच 8। अभी मैं आपको नॉन कॉपीराइट म्यूजिक सुनाता हूँ। स्मार्ट वॉच में स्पीकर भी है, अभी नॉन कॉपीराइट म्यूजिक में जाते हैं।
दोस्तों वीडियो में आपने देखा T500 स्मार्ट वॉच का रिव्यू, तो आप ये स्मार्ट वॉच परचेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपका बजट अगर ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा महंगे वाले स्मार्ट वॉच नहीं परचेस करना चाहते हैं, तो आप ये स्मार्ट वॉच परचेस कर सकते हैं। आप ये स्मार्ट वॉच किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी प्राइस के बारे में। तो मैंने इसे परचेस किया है नून ऑनलाइन शॉपिंग से। आप देख सकते हैं इसकी प्राइस सऊदी में 17 रियल, तो इंडिया का हो गया 380 रुपये के आसपास। तो इंडिया में भी आपको ये स्मार्ट वॉच बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएगा। तो दोस्तों आप इसे परचेस करना चाहते हैं, आपका मन में कोई भी सवाल हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका आंसर मैं आपको दूंगा। तो मिलते हैं कोई अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।